गैर कानूनी ढंग से ड्रग्स का कारोबार करने वाले रैंटॉक्स कंपनी का केस इन्होंने ही फाइट किया था। कितने करप्ट है वो लोग, ये सब लोग जानते। तो ये कहना कि सागर ने ही जानवी को ड्रग्स लेने की आदत डाली तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर सागर चतुर्वेदी को रैंटॉक्स कंपनी की असलियत के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही उन्हें रैंटॉक्स की असलियत के बारे में पता चला, ही गेव अप द केस। वो जानबूझकर केस हार गए। और वैसे भी योर ऑनर, उस केस का इस केस से कोई लेना देना नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। कभी मेरे सपनों में आती है, मेरे मुंह में आती है, ऐसे बोलते रहती है, जाओ यहां से, लेकिन वो जाती नहीं है। पीछे पड़ी हुई है। कौन जानवी, क्या बोल रही हो तुम? होश में आओ, कौन पीछे पड़ी है तुम्हारी? किससे डर रही हो तुम? देखो देखो, हर जगह वही है। अब मैं अपना पहला गवाह डॉक्टर दास को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर दास, उस दिन सागर अपनी पत्नी जानवी को लेकर आपके क्लिनिक में आया, क्या हुआ था उस दिन? कोर्ट को बताइए। माय लॉर्ड, कुछ दिन पहले सागर मेरे क्लिनिक में आए थे जानवी को लेकर। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, शी वॉज लुकिंग मिजरेबल। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मेंटली अपसेट है वो, डरी हुई, काफ़ी हाइपर भी। मैंने सागर से कहा कि उन्हें मेडिसिन से ज़्यादा प्यार और अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। इन्हें खुश रखें, एक बार इनकी कंडीशन ठीक हो जाए तो मैं इनका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तब सागर ने मुझसे कहा कि ये बात उनके फैमिली में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। प्लीज़ आप घर पर नहीं आएंगे तो अच्छा होगा, मैं नहीं चाहता कि घर पर किसी को पता चले इस बारे में। मिलोर्ड, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ की खराब सेहत अपने परिवार से क्यों छुपा कर रखे? लेकिन सागर नहीं चाहते थे ये बात उसके घर में पता चले। क्या मतलब हुआ इसका? यही ना, ये सागर की नीयत खराब थी, कोई तो भी खतरनाक इरादा था उसका। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये बात सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सागर कभी जानवी को डॉक्टर के पास लेके ही नहीं जाता। वो जानवी की हालत को देखकर परेशान हो गया था योर ऑनर। वो नहीं चाहता था कि उसके जैसे उसके परिवार वाले भी परेशान हो, इसलिए किसी को बिना बताए वो उसे डॉक्टर के पास ले गया था। एंड लेट मी टेल यू मिस्टर सबरवाल, अगर आप भी अपने परिवार को प्यार करते, आप भी सागर की जगह होते, तो आप भी शायद ऐसा ही करते। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुझे नहीं मिला किसी डॉक्टर से। जानवी, जानवी, जस्ट काम डाउन, ओके? रूटीन चेकअप है, सबको करवाना चाहिए। मुझे नहीं करवाना। काम डाउन जानवी, जस्ट काम डाउन। एक बार कहा ना, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। सागर रो रहा है, क्या सोच रहा होगा वो? ये सारी बातें सुनकर ना दुख हो रहा होगा उसे, लेकिन हम उसके पास जा भी तो नहीं सकते। सोच क्या रहे हैं मिस्टर निरंजन चतुर्वेदी? अपनी फैमिली को बताएंगे नहीं कि आपके बेटे ने ही मेरी बेटी की जान ली है? मर्डर किया है जानवी का, यकीन नहीं हो रहा है। एक जज का बेटा खूनी हो सकता है, और सागर ही क्यों, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस मर्डर में। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मेरी बेटी को ड्रग्स की आदत लगाकर उसे ओवरडोज करके मार डाला आप लोगों ने। आप ही ने मेरे बेटे को ड्रग्स का रैकेट चलाने वालों का केस लड़ने के लिए कहा, सच्चाई छुपाई उससे, मिसलीड किया उसे, और उसी कंपनी के ड्रग्स के कारण आपकी बेटी की जिंदगी चली गई। फिर भी आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हैं? क्यों ना लगाऊं इल्जाम? आप भी आए थे मेरी बेटी जानवी का हाथ मांगने के लिए, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी एब्सेंस में आपने उन दोनों की शादी करवा दी, मगर फिर भी हम चुप रहे, ये सोचकर कि हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे दिमाग से निकल कैसे गया? तुम्हें पता है इस पॉइंट की वजह से इस केस का पूरा रुख मोड़ा जा सकता था। एंड यू आर अ लॉ स्टूडेंट आफ्टर ऑल, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? आई कांट बिलीव इट। सर, सर, आई एम रियली सॉरी। सब पिछले दिनों इतना कुछ हुआ कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया।
हमने तो बहुत सोचकर एक एक बात आपको बताई थी, लेकिन ये बात बतानी कैसे रह गई हमें नहीं पता। रियली सॉरी सर। सॉरी बोलने से हर बात ठीक हो जाती तो प्रॉब्लम ही क्या थी? अब तो बता दो मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या था। फिक्र मत करो सागर, इस तरह नाउमीद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सबूत मिला है, तुम्हें जमानत जरूर मिल जाएगी। सागर क्या हो गया तुम्हें? कोर्ट में भी तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए थे। क्या बात है सागर, हमें बताओ ना। उस वकील ने जो कहा उससे परेशान हो गए या कोई और बात है सागर? सागर हम तुम्हें कह रहे हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने चुप क्यों? क्या सोच रहे हो तुम? प्लीज सागर हमें तो बताओ ना। सागर प्लीज हमें बताओ, ऐसे ऐसे चुप मत बैठो प्लीज सागर। चलिए आपको बुलाया, कार्रवाई शुरू होने वाली है। योर ऑनर, इस कोर्ट में एक अहम सुराग पेश करना चाहता हूँ जो ये बात साबित कर देगा कि मिसेस जानवी चतुर्वेदी की हत्या में कोई सागर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। योर ऑनर ये फोटोग्राफ्स जानवी के कमरे की है जो उनकी डेथ के बाद पुलिस ने खींची थी। ये दोनों फोटोग्राफ्स एक ही टेबल की है और उन फोटोग्राफ्स के नीचे उसका टाइम कोड लिखा हुआ है। दोनों फोटोग्राफ्स आधे घंटे की डिफरेंस में खींची गई। योन, अगर आप पहली फोटोग्राफ देखते हैं तो टेबल पे कोई सुसाइड लेटर नहीं, और दूसरी फोटोग्राफ जो ठीक आधे घंटे बाद खींची गई थी उसमें एक सुसाइड लेटर आ जाता है। इससे बात साफ होती है योन कि उस दिन जानवी और सागर के अलावा कोई तीसरा भी था कमरे में, जिसने मौके का फायदा उठाकर बड़ी चालाकी से वो सुसाइड लेटर उस टेबल पे छोड़ दिया ताकि सागर पकड़ा जाए। योनर, इस सबूत के बेसिस पे मेरी इस कोर्ट से दरख्वास्त है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता मेरे क्लाइंट की बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हुए इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ योर ऑनर। बोलिए। अपनी वाइफ की मौत के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। मैंने ही जल्दबाजी करके उसके पेरेंट्स को बिना बताए शादी कर ली। मैं बहुत बुरा बर्ताव किया उसके साथ। वो ड्रग्स की आदत मेरी वजह से ही जानवी को लगी थी। मैंने जानवी को बहुत टॉर्चर किया। फिजिकली मेंटली वो वीक होती गई। ऐसा कभी नहीं होता अगर मैंने उसे प्यार और इज्जत के साथ रखा होता। और मुझ पे जो भी इल्जाम लगाए गए हैं सब सही हैं। और मैं उन सब के लिए कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। सागर ये क्या कह रहे हो तुम? कि आप ये तो नहीं चाहते कि सागर को फांसी हो जाए या वो जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे? कहीं बदला तो नहीं ले रहे हैं सागर से क्योंकि हम आपसे शादी नहीं करना चाहते? बिल्कुल सही कहा तुमने गंगा। ये लो ये केस और सागर, तुम्हें मुबारक। मुझे इस केस से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हारी जिंदगी से।